तो वेल बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल मैथ्स एकेडमी में। और आज हमारे बात करने वाले हमारे जो भी एस्पायरेंट एसएससी की, रेलवेज की, या ऑल इंडिया लेवल पर या स्टेट लेवल पर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में से कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों? तो वो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो मोस्टली एग्जाम में रिपीट ही होते हैं। तो चलो बच्चों, बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, तो पहला जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है सारे एग्जाम से, वो ये है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड एंड व्हाट इज इट्स नेचर। है ना, मानव का जो रक्त होता है वो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का या क्षारीय प्रकृति का, और इसका पीएच वैल्यू होता कितना है, पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य का जो ब्लड होता है बच्चों, ह्यूमन ब्लड जो होता है, वो सबसे पहले तो बच्चों क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है ना, फ्लोटिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है और ये लेस एल्कलाइन होता है नेचर में, मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 7.4, और प्रकृति कैसी है, क्षारीय, याद रखेंगे आप लोग। फिर आता बच्चों केंद्रक के खोजकर्ता थे, हु इज द फाउंडर ऑफ न्यूक्लियस। है ना, न्यूक्लियस को ढूंढने वाले बंदे कौन थे, उनका नाम बताओ। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के बंदे ने बच्चों ने न्यूक्लियस को ढूंढा था, तो फाउंडर ऑफ न्यूक्लियस कौन होगा, रॉबर्ट ब्राउन होगा। फिर बच्चों आता है जो आपकी बॉडी में मिलती है बच्चों, गोल्जी बॉडी मिलती है जो सेल के अंदर, है ना, गोल्जी बॉडी जो मिलती है उसके फाउंडर बोलते हैं। तो बच्चों जो इसका नाम है ना, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय बोलते हैं हिंदी में, तो उसके फाउंडर थे कैमिलियो गोल्जी। है ना, जिन्होंने ढूंढा था उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया, कैमिलियो गोल्जी इसके फाउंडर थे और गोल्जी बॉडी बोलते इसको। ठीक है बच्चों, फिर आता बच्चों सेल के फाउंडर कौन थे, तो सेल के फाउंडर थे आपके बच्चों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसकी खोज कर ली थी बच्चों, सेल की खोज कर ली थी। ठीक है, अब बच्चों स्टडी ऑफ सेल भी पूछ लेता है कभी कभी, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, यानी सेलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिकाओं के अध्ययन को बच्चों साइटोलॉजी कहते हैं। ना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों में क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। ठीक है बच्चों, व्हाई इज द यूरिन अपियर्स येलो, मतलब बच्चों जो यूरिन होता है उसका कलर येलो होने के पीछे कौन सा पिगमेंट होता है, तो बच्चों जो यूरिन होता है उसमें यूरोक्रोम पाया जाता है। तो यूरोक्रोम की वजह से बच्चों क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है यूरिन का। ठीक है बच्चों, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है बच्चों उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। तो मनुष्य की बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, जो ग्लैंड होती है उसका नाम होता है लिवर। समझ गए बच्चों, लिवर यानी जो यकृत होता है हमारा, वो क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, मानव शरीर की यानी ह्यूमन बॉडी की। ठीक है बच्चों, और बायोलॉजी से आपको क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों, बायोलॉजी से जो मोस्टली क्वेश्चन आपको पूछता है ये पूछता है, यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, सार्वत्रिक दाता। तो बच्चों ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसको हम बोलते हैं डोनर, मतलब वो किसी भी को भी अपना ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है बच्चों, फिर आप बच्चों सिस्टम होता है कौन सा, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, है ना, या जिसको आप रक्त परिसंचरण तंत्र भी बोलते हो, इसके फाउंडर कौन थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बच्चों, तो याद रखना विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या करा था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और बच्चों जो आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं, है ना, जैसे किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, ए पॉजिटिव ए बी, ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे, तो जो आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं बच्चों, इसके फाउंडर थे कॉल लैंडस्टीनर। याद रखना कॉल लैंडस्टीनर ने क्या करा था, ब्लड क्लासिफिकेशन करा था। फिर बच्चों विटामिन के फाउंडर कौन थे, तो विटामिन के जो फाउंडर थे बच्चों, विटामिन के फाउंडर का नाम है फंक। क्या नाम है इनका, फंक नाम है। समझ गए बच्चों, और इस लेक्चर में यहीं तक। तो इसी टाइप के अगर आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो बच्चों लेक्चर को लाइक कर देना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हो, बाकी जो भी हमारे एस्पायरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।